दिल्ली में 18-19 मार्च की रात एक युवक की हत्या की घटना सामने आई। खबरों के मुताबिक शिवा गुर्जर नाम के एक व्यक्ति की कुछ लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस घटना को सांप्रदायिक एंगल देकर शेयर किया जा रहा है। भाजपा नेता और समर्थक शिवा गुर्जर की हत्या के पीछे मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों का हाथ बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने भी ऐसा ही दावा किया। ये दावा शेयर करने वाले लोगों की लिस्ट में सुदर्शन न्यूज, यूपी भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत उमराव, पत्रकार आंचल यादव और कपिल मिश्रा शामिल है। हत्या का वीडियो ट्विटर और फेसबुक पर इसी दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। इस घटना की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी। इंडिया टुडे ने 28 मार्च को रिपोर्ट किया था कि पुलिस ने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 5 में से एक नाबालिग है। पुलिस के हवाले से आगे बताया गया है कि 18-19 मार्च की रात को पान की दुकान के पास शिवा और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था। बाइक पार्क करने को लेकर हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि शिवा की छाती में चाकू मार दिया गया। आर्टिकल के मुताबिक पुलिस ने हत्या के हथियार सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने आरोपियों के नाम इस प्रकार बताए हैं। 52 वर्षीय धर्मेंद्र राय, उसके 2 बेटे सचिन और रामानुज और उसका कर्मचारी वकील अहमद, ये सभी नारायणा इलाके के रहने वाले हैं। 5वां आरोपी नाबालिग है और धर्मेंद्र राय का रिश्तेदार है। पश्चिम दिल्ली के DCP ने शिवा की हत्या सांप्रदायिक कारणों की वजह से होने की बात को झुठलाया है। ये एक इंसिडेंट है जिसके बारे में ट्विटर के ऊपर और सब जगह कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट 18-19 मार्च की रात को करीब 9:30 बजे का है, जिसके अंदर एक शख्स की मृत्यु हो गई। इस झगड़े की जैसी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वो घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। इसमें उसी वक्त मर्डर की FIR दर्ज करके जो भी गुनहगारों के नाम थे उनको तुरंत 12 घंटे के अंदर गिरफ्त में लिया गया और वेपन ऑफ ऑफेंस भी रिकवर किया गया। इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती गई थी केस में, इन्वेस्टिगेशन में। और इसके अंदर जो मेन बात है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मरने वाला शख्स है जिसकी हत्या हुई है और जो मेन मारने वाला है FIR के हिसाब से दोनों एक ही समुदाय के हैं। इसके अंदर कोई सामुदायिक जो रंग देने की इसको कोशिश की जा रही है वो एकदम निराधार है। और आप जो सब जो हैं इसको एक ऑफेंस की दृष्टि से देखें और हमने इसके ऊपर बहुत उचित कार्रवाई की। पश्चिम दिल्ली के DCP ने भी ऑल्ट न्यूज को यही बताया कि मृतक और 4 आरोपी एक ही समुदाय के हैं और घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। यानी दिल्ली में आपसी विवाद के कारण शिवा नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को भाजपा नेता और समर्थकों ने सांप्रदायिक रंग देकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जबकि हत्या के आरोपियों के नाम मीडिया रिपोर्ट्स में मौजूद थे।